झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, दरअसल रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारथी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य भर के युवक युवती जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और पैसों की वजह से ट्रेनिंग सेंटर में जाकर प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें फ्री में ट्रेनिंग सरकार द्वारा दी जाएगी और रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सीएम ने सारथी योजना के साथ ही युवाओं को एक बड़ा उपहार दिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि सारथी योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को फ्री में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक साथ राज्य के 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत की गई। दो पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आपके हाथ में हुनर है तो आप कभी भूखा नहीं मर सकते। स्पर्धा के दौर में हुनर का होना जरूरी है। स्किल लोगों की सबसे ज्यादा पूछ होती है। से भी आपने सुना, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने ये वादा किया था कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मैं उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं कहते हुए मैं उसको प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन भत्ता कहना चाहूंगा। और कई कार्यक्रमों को संचालित करते हुए, कई योजनाओं को लागू करते हुए और वादों के अनुरूप सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और सरकार के उन्हीं में से एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित। यूं तो सरकार शिक्षित को भी ट्रेनिंग दे रही है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस योजना की खासियत यह है कि कई बार पैसों की तंगी की वजह से युवा छात्र अपने मनपसंद चीजों को आगे नहीं सीख पाता है या निराश होकर कुछ और करने लग जाता है। वहीं इस योजना के बाद होनहार छात्रों को मौका मिलेगा कि वो ट्रेनिंग सेंटर में जाकर अपने मन पसंदीदा चीज को सीख सकें। सारथी योजना के तहत राज्य के युवाओं को फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।